आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये जो पेंटिंग है बिना कलर के, बिना ब्रश के, बिना पेंसिल के की जाती है। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये सही है, सत्य है। तो चलिए करके देख लेते हैं कि बिना रंगों के पेंटिंग कैसे की जाती है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि बिना रंगों के, बिना ब्रश के भी पेंटिंग की जा सकती है। कलर और ब्रश की जगह हम यहाँ काम लेंगे बूट पॉलिश और बूट पॉलिश का ब्रश और एक अखबार, क्योंकि हमें इसको ड्रॉ नहीं करना है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है। हम एक पुराना न्यूज़पेपर लेंगे जिसको एज स्टेंसिल काम लेना है। तो सबसे पहले हमने देखिए उसको फाड़ लिया, एक पहाड़ी की शेप में फाड़ लिया है, उसको लगा दिया है उसके आपका जो पेपर है उसके ऊपर, उसको लगा दें और हल्का सा उसको टेपिंग कर दें जिससे पेपर हिले डुले नहीं, है ना। ये देखिए इसको टेप कर दिया है। अब हम इसमें बूट पॉलिश लेंगे ब्रश में, और ब्रश को डायरेक्ट नहीं लगा करके पहले उसको, जो ज़्यादा पॉलिश आ जाती है तो पहले उसको दूसरी जगह पर थोड़ा सा रगड़ लें जिससे ज़्यादा पॉलिश जो है वो उसमें रह जाएगी, और थोड़ा 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 करके धीरे धीरे आराम से इजी वे में लगाएं। ऐसा नहीं है एक ही बार में उसको घिस दें, घिसना नहीं है, इसको उठा करके और फिर रखना है ब्रश को, बहुत सावधानी से लगाना है, ऊपर नीचे रखना है, इसको रगड़ना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखने की है, इसको रगड़ना नहीं है। उसको जो है ब्रश को ऊपर उठाया और लगाया, उठाया और लगाया, इस तरह से करना है। ज़्यादा उसमें पॉलिश ना आए इसलिए उसको पहले से एक न्यूज़पेपर वगैरह पे कहीं दूसरे सरफेस पर उसको जो है लगा लें जिससे कि उसमें जो ज़्यादा पॉलिश है वो वहाँ पर रह जाएगी। तो इस तरह से देखिए बहुत सावधानी से लगाएं, उसको बार बार देखते रहें कितना लगा है कितना नहीं लगा है, और आपको जितने लगाने की ज़रूरत है उसको आवश्यकता अनुसार लगाएं। अब इसको पेपर को वहीं रहने दें और नीचे से फिर से इसको फाड़ दें, और ये फाड़ करके वही एज स्टेंसिल काम आएगा। ये देखिए फिर से ये इस तरह से, अब इसको भी टेपिंग कर दें, और ये देखिए फिर से हम वही ब्रश में उसी तरह से लेंगे और फिर से उसमें ठीक वैसे ही लगाएंगे जैसा कि पहले लगाया है। अब हम इसमें पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, जो कलर पर्सपेक्टिव है वो दिखाने के लिए, आगे वाली जो सबसे पहले जो पहाड़ी जो माउंटेन बनाए हैं उसमें तो हमने डार्क लगाया है, इसमें हम उससे थोड़ा सा कम लगाएंगे जिससे वो दिखे कि ये थोड़ा सा दूरी पर है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल वैसे ही लगाएं जैसे कि पहले लगाया है, और बार बार उसको देखते रहें कि इससे कहीं डार्क ना हो जाए। वैसे तो ये दिख ही रहा है क्योंकि पहले वाला जो माउंटेन है वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है, तो इससे थोड़ा सा वो लाइट उसको छोड़ दें, फिर से उसको काट दें, पेपर को फाड़ दीजिए। काटना नहीं है, फाड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा नेचुरल शेप आएगी, फाड़ने से, काटने से वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं कि दूरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे जो पास वाले पहाड़ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, दूर की पहाड़ियाँ और कम होंगी, और दूर चलते जाएंगे धीरे 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 एक जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर जा करके, और वो एकदम सीधी लाइन आ जाएगी। तो आप ये देखिए सबसे आगे वाले जो पहाड़ हैं इनमें हमने ज़्यादा ऊपर नीचे किया है, उससे पीछे वाले में थोड़ा सा और कम हो गया। इसी तरह से 5-7 लेयर हम हमारी आवश्यकता अनुसार हम कर सकते हैं, 5 लेयर बना लो, 7 बना लो, जो भी है। तो इसमें पर्सपेक्टिव दिखाने के हिसाब से इस तरह से हम करते हैं, कलर का पर्सपेक्टिव और लाइन का पर्सपेक्टिव, वो चीज़ दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। पर्सपेक्टिव के लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो और बना रहा हूँ, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, पर्सपेक्टिव का वीडियो, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए
यहाँ पर ये देखिए अभी चौथी बार हम कर रहे हैं, चौथी बार हमने क्या किया है, इसमें पॉलिश नहीं ले रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना हमारे ब्रश में ही मौजूद है। ठीक है, इस तरह से अब और एक लेयर हम लगाएंगे इसके पीछे, ये देखिए सीधा फाड़ दिया है, क्योंकि मैंने बताया जैसे पीछे चलते जाएंगे वो लाइन और सीधी होती चली जाएगी। अब हम इसमें बिल्कुल भी पॉलिश नहीं लेंगे और इसी को हम इसी ब्रश को हम लगा देंगे, जिससे वो पर्सपेक्टिव, कलर पर्सपेक्टिव जो है हमें दिखाई देगा कि पास का डार्क दूर और लाइट, दूर और लाइट, और लाइट लाइट लाइट, इस तरह से दिखाई दे जाएगा। तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 लेयर हमने यहाँ बना दी हैं और आप सभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं, पास वाली डार्क, उससे पीछे और लाइट लाइट। एक स्टेंसिल हम सन के लिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सन के लिए स्टेंसिल बनाई थी और उसमें हमने कोई अलग से पॉलिश नहीं ली और उसी में हमने ये जो है कर लिया है। अब ये जो है बादल का शेप काट करके, स्टेंसिल काट करके लगा रहे हैं, यहाँ भी हमने कोई पॉलिश नहीं ली है, वो ही पहले वाली पॉलिश जो ब्रश में मौजूद है उसी से हमारा काम चल रहा है। अगर हम यहाँ डार्क कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर से हम अगर पॉलिश ले लेते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पोस्टर कलर है, आप पोस्टर कलर, हालांकि मैंने मना किया था कि बिना कलर के बिना उसके, लेकिन यहाँ हमने पोस्टर कलर यूज़ किया। इसकी जगह आप कलर नहीं लेकर के चारकोल में थोड़ा सा पानी मिला करके चारकोल यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी। ये पतला होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रहे। यहाँ हमने बैलून पंप यूज किया है, आप चाहें तो इसको अपने मुंह की फूंक से भी इस तरह से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको बैलून पंप ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमने बैलून पंप यूज़ किया, आप और कुछ भी जिससे आप तेज़ फूंक मार सकते हैं ऐसा कुछ भी चाहिए। तो ये बिल्कुल मुंह से पास, बिल्कुल पास में मुंह ला करके और ज़ोर से फूंक मारें, आप एकदम ऐसा कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बिल्कुल पतला हो, जिससे बहुत अच्छे से ये ब्रांचेज निकल जाएं। दूसरी चीज़, ये जो कलर या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं बूट पॉलिश के ऊपर से ठीक से नहीं लगता, तो इसमें बहुत मामूली सा आप ब्रश को साबुन पे लगा करके लेंगे तो ही ये ज़्यादा अच्छे से लग पाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। या जरा सा 2-4 दाने आप इसमें वॉशिंग पाउडर के डाल दीजिए तो भी काम चल जाएगा। पीछे वाले जो पीछे देख रहे हैं, पीछे की जो पहाड़ी, उनमें और थोड़ा सा पानी मिला करके और लाइट करें, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, तो वो और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप आर्ट में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।